अस्सलामुअलैकुम, राशिद आलम खान अपने YouTube चैनल पर हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी वीडियो के अंदर न्यू लर्नर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है और इसको पूरी देखिएगा और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। मैं इसमें आज की वीडियो में तमाम इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को वन बाई वन मैं दिखाऊँगा भी और उससे न्यू लर्नर्स जो हैं उनको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स किस पार्ट्स का क्या नाम होता है और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पार्ट्स के अंदर कौन कौन से मेटल यूज होते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए हम चलते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, ये है पिस्टन। पिस्टन को कास्टिंग मेथड के जरिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। पिस्टन को बनाने के लिए जो मेटल यूज़ होता है उसे अल्मोनियम अलॉय कहते हैं। अल्मोनियम अलॉय से बनाने का मकसद होता है कि ये मेटल जो होता है इसकी थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पिस्टन हीट को बआसानी ट्रांसफ़र कर देता है। चलें अब बात करते हैं पिस्टन रिंग की। पिस्टन रिंग को पोर्ट कास्टिंग मेथड के ज़रिए बनाया जाता है और उसे बनाने के लिए कास्ट आयरन, हाई इलास्टिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। चले व्यूअर्स, अब बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट की। तो क्रैंकशाफ्ट बेसिकली पिस्टन की मदद से रोटेट होता है और इसका जो कास्टिंग मेथड के ज़रिए इसको बनाया जाता है और इसके अंदर जो मेटल यूज़ होता है वो एलॉय स्टील का मेटल यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लाई व्हील की। फ्लाई व्हील का काम इंजन में एनर्जी को स्टोर करना होता है। इंजन में जब पावर स्ट्रोक होता है तो फ्लाई व्हील इंजन को एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है जिससे इंजन बआसानी घूम पाता है। तो गाइस, इसे भी कास्टिंग मेथड के ज़रिए बनाया जाता है और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है। अब बात करते हैं कैम शाफ्ट की। कैम शाफ्ट इंजन के क्रैंक के साथ जो है वो अटैच होता है और इनटेक और एग्जॉस्ट के वाल्व को ओपन और क्लोज करवाता है। इंजन की टाइमिंग के साथ ये अटैच होता है। इसे ग्राइंडिंग और केस मेथड के ज़रिए बनाया जाता है और इसका मेटल प्लेन कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। सिलेंडर ब्लॉक को कास्टिक फोर्जन और मशीनरी मेथड के ज़रिए बनाया जाता है और इसमें ड्रिक्टाइल, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील मटेरियल के ज़रिए इसको कहते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड कास्टिंग मेथड के ज़रिए बनाया जाता है। इसको एल्यूमिनियम अलॉय कास्ट आयरन के मेटल की मदद से बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम कनेक्टिंग रॉड की। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन और क्रैंक से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। इसे फोर्जन मेथड के ज़रिए बनाया जाता है। इसे लो कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब बात करते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट के वाल्व की। इनटेक वाल्व का काम फ्रेश एयर को सिलेंडर के अंदर करना होता है और इसके ओपन होते ही फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर भर जाती है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने की सूरत में एग्जॉस्ट बाहर निकल जाती है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं स्टेनल स्टील, निकल, क्रोम, फास्फोरस, ब्रोनेज और मोनल स्टील, इस मटेरियल से ही मिलकर बनता है। अब हम बात करते हैं मेन बेयरिंग की। तो आपको बताते हैं कि मेन बेयरिंग और बिगन बेयरिंग को एल्युमिनियम अलॉय, कॉपर अलॉय और क्रोम स्टील से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर की। तो फ्यूल इंजेक्टर को कार्बो राइजिंग स्टील या मेरा ज्वाइनिंग स्टील का बनाया जाता है और ये है मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड को एल्युमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन से बनाया जाता है
और ये एक इनलेट का होता है और एक एग्जास्ट का मैनिफोल्ड होता है। ये है जनाब गजन पिन। इसका काम ये होता है कि ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को आपस में जोड़ने में मदद देती है। और इसके अंदर जो मेटल यूज़ होता है वो प्लेन कार्बन स्टील का मेटल यूज़ होता है। और ये है पुश रॉड। पुश रॉड का काम ये होता है कि केम की मदद से ये वॉल्व को मूव करवाता है, जिससे इनलेट और एग्जास्ट के वॉल्व ओपन होते हैं। तो इसका जो मेटल होता है वो स्टील का होता है। और ये है जनाब रोकर आर्म। रोकर आर्म के अंदर इसे फोर्जन मेथड के ज़रिए बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है।